नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की इस सीरीज में आज तीसरा वीडियो है, जिसका टॉपिक है संविधान सभा और उद्देश्य का। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल, 26 नवंबर, 1 मई, 5 जून। हमारा सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब संविधान सभा में जब संविधान बनके तैयार हुआ, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, ये भी एक रीज़न है 26 नवंबर को विधि दिवस मनाने का। तो सही आंसर है 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में, यह विचारधारा व्यक्त की गई? ऑप्शन है लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम ए के गुप्ता के बाद में, बी संकरी प्रसाद के बाद में, सी गोलकनाथ के बाद में, डी केशवानंद भारती के बाद में। तो हमारा सही आंसर है केशवानंद भारती के बाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, हम भारत के लोग। सही आंसर है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समर्पित है? ऑप्शन है संविधान सभा को, संसद को, संपूर्ण मानव समाज को, या भारत के लोगों को? का सही आंसर है भारत के लोगों को, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले प्रियम्बल में यही लिखा है, पहली लाइन ही ये लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो भारतीय संविधान है वो किसी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी समूह को समर्पित नहीं है, ये भारत के लोगों को समर्पित है। इस वजह से इसका सही आंसर है भारत के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराना है, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान कराना है। और इसका सही आंसर है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराना है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना, ऑप्शन भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल कर्तव्य है। और इसका सही आंसर है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान कराना है, भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है। इसका सही आंसर है भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। दूसरा, उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है।
तीसरा उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है। चौथा संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है या संविधान के परिचय से अधिक कुछ भी नहीं है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन को पे ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछ रहा है। जो असत्य कथन होगा वो यही होगा कि संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है या संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पहला है प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। दूसरा है प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तीसरा है प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। चौथा है प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।